हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज यूएस डेटा आने वाला था। मॉर्निंग में हमने कुछ कंडीशन देखी थी, उसके विषय में देखेंगे। यूएस डेटा क्या रहा है उसके विषय में देखेंगे, साथ में जो भी कंडीशन मार्केट में बन रही है उसके विषय में डिटेल में स्टडी करेंगे। यूएस का डेटा एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेशंस के अराउंड में ही आता हुआ देखने को मिला है। इसकी वजह से आपको एक अच्छा मूव भी देखने को मिला है। अब कंडीशन क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है, हम उसके विषय में देखेंगे। यहाँ सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए कंडीशन दी जाएगी, तो आप नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मॉर्निंग की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो कन्फर्मेशन के लिए मॉर्निंग की वीडियो एक बार देखिए, आपको वहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी। साथ में फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ आप जुड़ सकते हैं। मैंने आपके लिए अपडेट दिया था कि जो 6 बजे इसका कैंडल है, 6 बजे USPC का डाटा, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब यहाँ आप देखते हो 6 बजे के आसपास ये डाउनसाइड आया है, और इसके कंपैरिजन में जो सिल्वर है उसमें अपसाइड रैली हुई है, और ऑलरेडी वो अच्छे सपोर्ट जोन से रिएक्ट कर रहा था। इसके विषय हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो डेटा आया है उसके विषय हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यूएस डेटा की बात कर लेते हैं तो 31 और 30 दो दिन मैंने इम्पोर्टेंट आपके लिए बोला था। जो यूएस का कोर पीसी जो प्राइस इंडेक्स है, मंथ ऑन मंथ बेसिस में 0.2% का फॉरकास्ट था, और उसके कंपैरिजन में 0.2 आया। ये डेटा मैच किया है, जितना उम्मीद थी उसी के अनुसार आया। दूसरा आप ले रहे पर्सनल जो इनकम थी वो 0.3% के आसपास, 0.3% ही रही है। इससे पहले ज़्यादा इनकम लोगों की थी, तो ज़्यादा इनकम लोगों की थी तो स्पेंडिंग भी ज़्यादा थी, और अभी इनकम कम हुई है तो स्पेंडिंग भी थोड़ी कम हुई। तो ये दोनों पैरामीटर थोड़े से नेगेटिव है, अदरवाइज यहाँ पे पॉजिटिव ही होता हुआ देखने को मिला। लोगों ने खर्च थोड़ा कम किया है। अब दूसरा आप देखते हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो प्राइस है 0.3% के हिसाब से बढ़ रही है, और ईयरली बेसिस में अगर 2.6% का जो था टारगेट उसको 2.7% गिरा है। इसके प्रीवियस भी 2.7% के आसपास था। ईयर ऑन ईयर भी प्रीवियस जो मंथ में डेटा आया था सिमिलर तरीके से मार्केट में कैप्चर होता हुआ देखने को मिला है। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जो मंथ ऑन मंथ बेसिस का डेटा आया है जी, यूनाइटेड स्टेट का कोर जो प्राइस जो कंज्यूमर प्राइस है उसका एक्सपेंडिचर का डेटा है, अगर इसको आप देखते हैं तो यूएस कोर पीसी प्राइस इंडेक्स जो होता है वो एक गेज के लिए काम होता है। गेज जस्ट वन मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, ये किसी चीज़ को मेजर करने के लिए जैसे उसको गेज बोलते हैं, तो ये एक जस्ट एक उसका क्राइटेरिया है कि कैसे प्राइस मूव कर रही है, कैसे लोग इन्फ्लेशन को ट्रैक कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो रोज बाय 0.2%, इससे पहले कितना था प्रीवियस मंथ में 0.3% था मार्च में, तो स्लोअर रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ, और इन कम्पेयर टू 2024 सबसे कम डेटा अभी का आया है। तो एक पॉजिटिव होप यहाँ से आती हुई देखने को मिली है। अगर मीनवाइल द हेडलाइन गेज वाज अप बाय 0.3%, तो यहाँ से अब अगर आप देखते हैं तो लगातार डाउन साइड में है। इन्फ्लेशन जो प्रीवियस मंथ का रहा है दोनों मैच करते हुए ईयर ऑन बेस पे भी है, तो यहाँ से कंडीशन 2% की तरफ एक टूवर्ड्स होता हुआ देखने को मिला है। तो लोगों की जो उम्मीद थी उसमें थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। अब साथ में पर्सनल इनकम जो लोगों की थी उसमें 0.3% का हाई हुआ है, इंक्रीज हुआ है, लेकिन इससे पहले अगर आप देखोगे तो लगभग 0.5% के आसपास था। तो फरवरी और अप्रैल का जो इनकम थी लगभग सेम है, तो इनकम अगर सेम रहेगी तो इसका इम्पैक्ट आपके स्पेंडिंग पे भी मिलेगा, आपके खर्चे कैसे हो रहे हैं, या आप कुछ बोरोइंग करके कर रहे हैं, या फिर आपके जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 2% के आसपास, 0.2% के आसपास लोगों ने खर्च किया है, तो इस वजह से यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हुई देखने को मिली। लेकिन अभी जो ओवरऑल महंगाई है उसमें थोड़ी कंट्रोल आती हुई देखने को मिली, यह पॉजिटिव है। और कंडीशन जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो भी एक थोड़ा पुश दे रहे हैं। इन दोनों कंडीशन के बीच में एक रेट कट का उम्मीद आने की चांसेस हैं, लेकिन फेड के जो ऑफिशियल्स हैं वो अभी वेट कर रहे हैं फर्दर कुछ डिसीजन होने के लिए, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे क्या करने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं जो पहले हम 4 आवर सेटअप में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इम्पॉर्टेंट है जो भी कंडीशन आपके साथ शेयर की जा रही है सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देखिए, लर्न करिए, उसके बाद में अर्निंग का प्लान करिए, डेफिनेटली आप अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन जो बनी हुई थी 104.4 के आसपास, ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है,
टच हो चुका है। अगर आप ये देखेंगे, अगर इसी किसी भी एक जगह पे मल्टीपल टाइम हैमर करते रहेंगे तो वो वीक हो जाता है। सिमिलर यहाँ पे भी पैटर्न चलता है, अगर लगातार लोग यहाँ पे बाइंग सेलिंग करते रहेंगे तो ये वीक हो जाएगा। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए रोके, अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा जो कमोडिटी है सिल्वर और गोल्ड की। तो यहाँ पे एक थोड़ा नेगेटिव पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और दूसरी कंडीशन अगर आप गोल्ड की देखते हैं तो गोल्ड में जो कॉमेक्स है इसमें अगर आप देखते हैं एक हाई बनाने की कोशिश किया है, जो डेटा आया है उसके बाद में एक रुकने की कोशिश कर रहा है। तो कंडीशन अभी यहाँ पे जो बनती हुई देखने को मिल रही है, यहाँ मार्केट के लिए ऑलरेडी सपोर्ट 2360 का लेवल बना हुआ है। ये स्पाइक आपको जो डेटा आया था उसके बाद का है, उसके बाद में 80 तक का लेवल गया है और ये ऑलरेडी हाई यहाँ पे बना रखा है। तो इस लेवल पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, अगर यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी होता हुआ देखने को मिलेगा। तो कंडीशन यहाँ पे अभी थोड़ा सा मिक्स बनती हुई देखने को मिले, लेकिन अगर इनकेस ये डॉलर इंडेक्स ब्रेक करता है डाउन साइड के लिए तो यहाँ हमें दोबारा से एक स्पाइक 80 के आसपास तक का लगता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको अलर्ट रहना है। नेक्स्ट अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड की ओपनिंग होती है मॉर्निंग टाइम पे। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो मार्केट में काफ़ी वोलेटाइल रहा है, उसके बाद में ओपनिंग के साथ में एक थोड़ा डाउन साइड ओपन होता है, फिर रिकवर करता हुआ हायर साइड गया है, जो प्रीवियस डे का हाई बना रखा था 29 का उसके आसपास ट्रेड किया है और फाइनली एक डाउन साइड आने के बाद में एक रेंज में ही अभी ट्रेड करता हुआ देखने मिला और इसने रेंज का ब्रेकआउट किया। अब इसके लिए 72,400 के आसपास या इससे ऊपर की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगी और डाउन साइड जाएगा तो इसके लिए इम्पोर्टेंट 72,000 सबसे पहले रोकने के लिए बैठा हुआ, जहाँ से पूरे दिन बिताया है उसको फिलहाल के लिए ब्रेक करता हुआ नहीं दिख रहा है एज कम्पेयर टू कॉमेक्स इंडियन MCX ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। अब फ्रेंड्स सिल्वर की अगर बात कर लेते हैं, जो मॉर्निंग में हम डिस्कस कर रहे थे ये एक रेंज मैंने फॉर्मेशन किया था, अगर इसको आप देख रहे हैं तो जो ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट लिया था इसके आसपास लगातार इसने लगभग 3 घंटे बिताया है। आप देख रहे हैं लगातार टाइम बिताने के बाद में यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकला, ऊपर निकलने के बाद में इसका जो हाई लगाया है हमारा टारगेट था जो 3.6 है, उसके बाद में 31.8 है, लेवल होता है 32 तक जाएगा, इसने हाई लगाया है 31.945 का। तो यहाँ तक का इसने हाई लगाने के बाद में अब ये दोबारा से इसके लिए जो ये रेंज बनाने की कोशिश किया है इसको 31.5 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करना चाहिए, तब यहाँ से पुल बैक होगा। एक स्पाइक जो 6 बजे की आनी थी, न्यूज़ का इम्पैक्ट आना था, वो आ चुका है। मार्केट को थोड़ा सेटल होने देते हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहा है। अगर आप देखते हैं तो लगातार मार्केट में एक दिन हायर साइड एक दिन लोअर साइड ही चलता हुआ जा रहा है, तो इसमें आपको केवल इंट्राडे का प्लान करना है, बड़ी पोजीशन ले जाने से बचना है। जस्ट माई आप लोगों के एक सजेशन है, रेस्ट आपके ऊपर है। अब यहाँ फ्रेंड्स हम देखते हैं, जैसे हम कॉमेक्स की ट्रेडिंग करते हैं, कॉमेक्स की ट्रेडिंग के लिए आपको कुछ इंडिकेशन है, आपको डॉलर इंडेक्स को फॉलो करना है, गोल्ड के कॉमेक्स को फॉलो करना है और गोल्ड सिल्वर के कॉमेक्स को फॉलो करना है, उसके बाद में इंडियन मार्केट को ट्रैक करना है। अगर आप देखते हैं दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर, तो आप यहाँ पे उसी डायरेक्शन में कॉमेक्स को भी प्लान कर सकते हैं। अगर इनकेस ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ गैप डाउन ओपनिंग होती है जैसा प्रेडिक्शन था, 93,000 पहला यहाँ पे सपोर्ट लेवल बना हुआ था, मॉर्निंग की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हुआ था 92,700, ये इसके लिए सेकंड सपोर्ट था। मार्केट ओपन होता है, सडन नीचे आता है, फिर 700 इसको रोकने की कोशिश करता है। क्यों रोका है इसको हम फर्दर आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इसके लिए जो ऊपर का सप्लाई जोन है 94,500 यहाँ आप ले सकते हैं, यहाँ से लेके 95,000 ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। अगर इसको जो भी पुलबैक आया था इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करते तो एक हार्ड साइड जाता, बट अभी इसके ऊपर निकला नहीं है तो अभी इसके लिए एक रेंज का फॉर्मेशन होता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अलर्ट लेवल है, अगर आपने कुछ पोजीशन ले रखी तो डेफिनेटली अपना स्टॉप लॉस वगैरह ट्रेल कर लीजिए, अदरवाइज इतने स्पाइक होने के बाद में 92,700 लोअर साइड, 95,000 हायर साइड, मतलब आप देख रहे हैं 2300 पॉइंट का स्पाइक लगा दिया है मार्केट ने डाउन साइड और हायर साइड में। इसमें आपको जस्ट कितने पॉइंट चाहिए, 500 से 700 पॉइंट वो आप बहुत ईजी वे से कैप्चर कर सकते हैं अगर रेगुलर वे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देख रहे हैं जो मैंने आपके लिए ये छोटी सी कैंडल ड्रा किया था, ये लेवल इंपॉर्टेंट बना हुआ था, इसके आसपास मार्केट रुका है और फिलहाल के लिए यहीं से सपोर्ट लेने निकलने की कोशिश किया। तो 93,000 और 92,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा।
इसके लिए जो करंट सिचुएशन बनी है ये 94,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आपको नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो इसके लिए जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा लगभग 93,600-97,000 के आसपास ये बनता हुआ देखने को मिलेगा, जहाँ पे इसने मल्टीपल पॉइंट्स पे हिट किया है। अगर फ्रेंड्स 600 के नीचे निकलता है तो फिर मार्केट के दोबारा से नीचे का रेंज इसको टच करने की कोशिश करेगा, ये आपको वॉच करना है। और फाइनली इसको 94,000 के ऊपर ब्रेक करता है, फिर डिटेल एनालिसिस हम इसको जो नेक्स्ट वीक की स्टडी करेंगे उसमें आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए आपको एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अब यहाँ पे वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं तो प्रीवियस डे का वॉल्यूम जबरदस्त था, क्योंकि GDP के आंकड़े आए थे, सारे लोग एक पॉजिटिव होप में चले गए थे। आज का जो रिजल्ट आया, बैलेंस आया है, लोगों ने जो इन्फ्लेशन है कम आया है एज पर एक्सपेक्टेशन आई है, लेकिन लोगों की इनकम भी उसी हिसाब से कम होती हुई नज़र आती हुई देखने को मिली है। तो इस वजह से थोड़ा सा अभी यहाँ पे मार्केट में बैलेंस मूव बनने की कोशिश कर रहा है, और इसको हायर साइड का जो प्रेडिक्शन बना हुआ था मार्केट क्लोजिंग अभी 94,600 से लेकर 93,600 तक करने का थोड़ा बेटर रहेगा। अगर इन दोनों के नीचे करता है, 93,000 के आसपास करता है, तो थोड़ा निगेटिव कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ आपके लिए एक होप पॉजिटिव है, लेकिन नेक्स्ट वीक में मोमेंटम बेटर होते हैं कि चांसेस रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।